और अब खबर लखनऊ से, जहां आज सीबीआई कोर्ट में होगी कुलदीप सेंगर की पेशी। जी हां, दोपहर को सीबीआई कोर्ट में कुलदीप सेंगर की पेशी होगी। सेंगर की 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी सीबीआई। सीबीआई कोर्ट में तथ्यों के आधार पर रिमांड की मांग की जाएगी। आरएमएल अस्पताल में हो चुका है सेंगर का मेडिकल टेस्ट। बता दें कि सुबह 4:30 बजे कुलदीप सेंगर का ये मेडिकल टेस्ट हुआ है। रेप पीड़िता को भी आज लखनऊ लाया जाएगा। पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए टीम बनाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सेंगर के करीबियों से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। रेप मामले से जुड़े हर एक अधिकारी से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस से मिले सभी साक्षियों की भी सीबीआई एक बार फिर से जांच पड़ताल करेगी। हर तथ्य को, हर पहलू को, हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है और सीबीआई गंभीरता से हर पहलू पर जांच परख कर कार्रवाई कर रही है। और आज पेशी हो सकती है सीबीआई कोर्ट में आरोपी विधायक की। खबर पर जानकारी के लिए मनीष पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है आरोपी कुलदीप सेंगर से, क्या कुछ तथ्य अभी तक सामने आए हैं? देखिए वंदना, तथ्यों की अगर बात करें तो सीबीआई ने हिरासत में लेने के साथ ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और जिस तरीके से सीबीआई ने तेजी दिखाई थी उसे साफ ये लगता है कि जो भी साक्ष्यों की जरूरत थी वो सीबीआई ने इकट्ठा कर लिया है। हालांकि देर रात कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी दिखाई सीबीआई में। पूरी रात कुलदीप सिंह सेंगर का जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा था, जैसे जिसके वो आदि रहा है, वो चलता रहा। उसके बावजूद सुबह साढ़े चार बजे उसे राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मेडिकल कराया गया। और अगर देखा जाए गिरफ्तारी के, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो भी अभियुक्त होता है उसे न्यायालय के सामने पेश करना होता है, इसको देखते हुए माना जा रहा है कि सीबीआई आज दोपहर तक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई कोर्ट पेश करेगी और उसके बाद सीबीआई की अगली कोशिश होगी कि कुलदीप सिंह सेंगर को रिमांड पे लिया जाए। हालांकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, अभी तक जो यूपी पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें कहीं भी कुलदीप सिंह सेंगर शामिल नहीं थे। ऐसे में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो साक्ष्य हैं उन्हें भी इकट्ठा करना सीबीआई के लिए एक चुनौती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई ने जो तेजी दिखाई, जिस तरीके से केस टेकअप करते ही तत्काल 3 घंटे के अंदर आरोपी विधायक कुलदीप सिंगर को गिरफ्तार किया, उन पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया जिन पर इस मामले में आरोप उठे थे, उन तमाम अस्पताल के लोगों से पूछताछ की, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई ने पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं कि जिसके आधार पर वो कोर्ट से आज कुलदीप सिंह सेंगर को रिमांड पर ले सके। मनीष, किस किस से पूछताछ आज सीबीआई कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। क्या कुलदीप के करीबियों से भी आज पूछताछ की जा सकती है? देखिए निश्चित रूप से सीबीआई का अपना, देखिए वंदना, काम करने का तरीका है। सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लेने के साथ साथ ही उनके दोनों फोन थे, उन दोनों फोन को ही अपने कब्जे में ले लिया था। उसके अलावा पूरी की पूरी जो कॉल डिटेल्स है वो खंगाली जा रही है। कोशिश जानने की सीबीआई ये कोशिश में लगी हुई है कि इस दौरान घटना से लेके अब तक किन किन लोगों के लिए के संपर्क में विधायक रहे हैं, कौन कौन से वो रसूखदार लोग रहे हैं जिन्होंने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव किया है, उन पुलिसकर्मियों, उन 6 पुलिसकर्मियों को जिसे यूपी पुलिस ने सस्पेंड किया था उन्हें कल ही हिरासत में लेके पूछताछ की गई थी। उसके अलावा ये पूरे प्रकरण में, चूंकि तरीके की 3 अलग अलग FIR है और सीबीआई केस दर्ज करने के बाद उस सारे FIR को एक साथ ज्वाइन करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, तो निश्चित रूप से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के जो करीबी हैं, जिन जिन लोगों ने उनका इस मामले में साथ दिया है, इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है, चाहे वो गैंग रेप का मामला हो या पीड़ित के पिता की जो हत्या हुई है, जो पीट पीट के मार डाला गया, उसमें जो जो भी लोग सहयोग में रहे हैं, जो जो लोग सहयोगी रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सीबीआई उन सबसे पूछताछ कर सकती है। मनीषा बने रहिए हमारे साथ।